श्री तपीर गांव जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस जिले के पार्टी अध्यक्ष श्री तमुद जमो जी, हमारे 34 टूटिंग इंकियों के उम्मीदवार श्री आलो लिबांग जी, 35 पंगिन बोलेंग के उम्मीदवार श्री ओजिंग तसिंग जी, 36 नारी कोयू के उम्मीदवार श्री केंतो रीना जी, 37 पासीघाट वेस्ट के उम्मीदवार श्री ततुंग जमो जी, 38 पासीघाट ईस्ट के उम्मीदवार श्री कलिंग मोयोंग जी, 39 मेबो के उम्मीदवार डॉक्टर डोंगे परमे जी और हमारे 40 गेकू मरियांग के उम्मीदवार श्री आनोंग परमे जी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं, मैं पासीघाट वासियों की ओर से अपने लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर मैं दोबारा पासीघाट में स्वागत करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी, पासीघाट का ये उनका दूसरा विजिट है। आप सबको पता है कि 2014 में चुनाव से पहले आपके बीच इसी जगह यहाँ पे आए थे और प्रधानमंत्री जी बनने के बाद आज यहाँ पे हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अरुणाचल प्रदेश में आज उनका पांचवा विजिट यहाँ पे हो रहा है। इसी से ही हम लोगों को पता चलना चाहिए, हम लोगों को कल्पना करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी हमारे अरुणाचल प्रदेश को कितना चाहते हैं। पिछली बार जितनी भी बार वो अरुणाचल प्रदेश में आए, अरुणाचल प्रदेश को वो बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स के रूप में वो हमेशा गिफ्ट देके गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो बगल में जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पासीघाट, नरेंद्र मोदी जी का ही दिया हुआ है। पहला फ्लाइट सर्विस पिछले साल उड़ान स्कीम का अंडर में हमने खुद गुवाहाटी में बैठ के पहला फ्लाइट में खुद यहाँ पे लैंडिंग किया है। तो मैं अपने ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर से और खास करके हमारा सियांग और पासीघाट के लोगों की ओर से मैं नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अरुणाचल प्रदेश पूरे हमारे नॉर्थ ईस्ट में पहला स्टेट है जिस स्टेट में दो स्मार्ट सिटी मिला है। एक ईटानगर जो राजधानी है और दूसरा आपका सिटी पासीघाट। नॉर्थ ईस्ट में और दूसरा किसी भी राज्य को दो दो स्मार्ट सिटी नहीं मिला है। मैं नरेंद्र मोदी जी को, अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, लोकप्रिय नेता को ये बताना चाहेंगे कि हमारा पासीघाट जो है इस प्रदेश का सबसे पुराना टाउन है। 1911 में स्थापना किया गया ये टाउन है। यहाँ के लोग, सियांग के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही फार साइटेड लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली 30 सालों से जब ये कांग्रेस का राज्य में था अरुणाचल प्रदेश, अच्छा रणनीति नहीं होने का कारण से हमारा स्टेट पिछड़ा हुआ है। मगर पिछले 5 सालों से 2014 से लेके अब तक जो सपोर्ट आपने दिया है, हम लोग काफ़ी खुश हैं। इसलिए मैंने पिछली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब आलो में आए थे तो वहाँ में मैंने आश्वासन दिया है, इस बार 2019 में हम लोग इन रिटर्न हमारे मोदी जी को हमारे अरुणाचल के दोनों लोकसभा हम लोग जिता के यहाँ में तोहफा में भेजेंगे, ताकि हमारे देश का प्रधानमंत्री और भी सशक्त होके अपना देश में और भी सेवा कर पाएंगे। हमारे अरुणाचल प्रदेश के जनता बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही अच्छे लोग हैं। हमारा कोशिश पिछले 2.5 साल में यही रहा है कि अच्छा रणनीति, अच्छा पॉलिसीज को लेके लोगों तक पहुंचाने के लिए। सरकार आपके द्वार कैंप से जो दूरी था पब्लिक और सरकार के बीच में, उस दूरी अभी लगभग मिट चुका है। मैंने पब्लिक को आश्वासन किया है, सरकार आपके द्वार कैंप अभी आने वाला दिनों में भी और भी हम लोग इसको बरकरार रखेंगे। 2019 का 23 मई का सूर्य उदय, मैंने आलो में भी कहा था एक नया सूर्य उदय होगा। ये सूर्य उदय जो है हमारे युवा जनरेशन का सूर्य उदय होगा। ये सूर्य उदय जो है हमारा जो अनएम्प्लॉयड जो युवा है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सूर्य उदय होगा। ये सूर्य उदय जो है जो हमारे दूर दराज जो किसान जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनका विकास के लिए सूर्य उदय होगा। ये सूर्य उदय जो है अरुणाचल को एक अच्छा मकाम तक, एक डेवलपमेंट का एक अच्छा ऊंचाई में लेके जाने का ये सूर्य उदय होगा। 23 मई केवल सिर्फ हमको तो दिन ही काउंट करना है,
अरुणाचल का जनता ने मन बना दिया है कि यहाँ अरुणाचल में एक बार फिर बीजेपी सरकार और केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार, ये अरुणाचल का पब्लिक ने पूरा तय करके रखा हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी जी अपना लीडर को मैं बताना चाहूंगा, अरुणाचल में जो चुनाव का जो माहौल है वो बहुत अजीब सा एक माहौल है। यहाँ पे कांग्रेस का तो पहले से ही कमर टूटा हुआ है, जैसे मैंने आपको आलो में भी बताया कि आउट ऑफ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस केवल सिर्फ 46 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नॉमिनेशन फाइल कर पाया। अगर उसका भी लिस्ट अगर हम लोग देखें तो 90% ऐसे उम्मीदवार है जिसको हम लोग जानता भी नहीं है, जिसका नाम हम लोग सुना तक भी नहीं है। और बाकी जितने भी जो उम्मीदवार है वो लोग कहते हैं कि हम लोग बीजेपी का हम लोग विरोध नहीं करेंगे, वो लोग जाके एनडीए का किसी अलायंस पार्टी में जाके घुस के बैठा हुआ है। और सब लोग यही हमारा भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो को लेके कैंपेन कर रहा है, वो लोग पब्लिक को गुमराह कर रहा है, पब्लिक को मिसलीड कर रहा है, ये बोल रहा है कि हम लोग बीजेपी का अलायंस पार्टी है, चाहे आप बीजेपी को वोट दो या चाहे हमें वोट दो, बात तो एक ही है, हम भी बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहा है। तो प्रैक्टिकली हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे कैंपेन चल रहा है, हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन ना के बराबर है, क्योंकि आप मोदी जी आपने जिस प्रकार से इस देश में जो काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को जिस प्रकार से आपने सपोर्ट किया है, खास करके अरुणाचल प्रदेश को, पूरा जनता आपका सर्विस से बहुत ही खुशी है। और आज यहाँ पे इतनी तादाद में मौसम खराब होने के बावजूद भी इतने लोग दूर दराज गाँव से यहाँ पे आए हैं आपको सुनने के लिए, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे जितने भी जो पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जनता जो यहाँ उपस्थित है, आप सभी को मेरा ओर से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि 11 अप्रैल को जो मतदान होगा आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें, ताकि अरुणाचल प्रदेश में एक क्लीन गवर्नमेंट हम लोग दे पाए। और हमारा जो उम्मीदवार है तबीर गांव जी बहुत ही अच्छा लीडर है, तो उनको हम लोग यहाँ से ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से एकदम अच्छा मार्जिन से जिता के इनको हम लोग दिल्ली में मोदी जी का साथ में दिल्ली में हम लोग भेजेंगे। तो इन्हीं कल्पना के साथ, इन्हीं आशा के साथ मैं अपना शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। मैं जोर से मैं नारा लगाऊंगा, आप लोग हमारे साथ दीजिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। अब मैं हमारे जो उम्मीदवार है उससे मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं परिचय कराना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और चौना मेन साहब और ये सभी लोग, ओजिंका सिंह और डॉक्टर डांगेपर में आप सब एक लाइन में आ जाइए और एक फोटो सेशन, हाथ उठाकर आप लोग खंडे पे खंडे मिलाकर अब अलग है, अब गाखो नहीं तो अलग सब हथाली बजाइए लोग, हाँ मोदी मोदी मृतोला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जनता जनार्दन को। अब मैं आज के हमारे 20 पधारे हमारे देश के ही नहीं बल्कि इस संसार के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सर गुजारिश करता हूं कि आपके आशीर्वचनों से हमारे लोगों को आप संबोधित करें। मोदी मोदी गुप्तोला। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बोमेरोंग दोनी पोलोनो आइदो। पासीघाट सहित अरुणाचल ईस्ट लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी क्षेत्र के साथियों को मेरा प्रणाम।
मंच पर विराजमान यहां के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री प्रेमा जी, हमारे उम्मीदवार सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, 30 मार्च को मैं आलो आया था। वहां से अरुणाचल के हर वासी का आपके सहयोग के लिए, आपके विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया था। आज एक बार फिर आपके प्यार के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपका अभिवादन करता हूं। साथियों, आपका प्यार और उसी का ये परिणाम है कि आज हम अरुणाचल में गांव-गांव में सड़कें हो, नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो या फिर एयरवे, कनेक्टिविटी को मजबूत करने में बहुत काम कर पाए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपका मुझे साथ न मिला होता तो ये काम मैं कर पाता क्या? अरुणाचल का भला हो सकता था क्या? विकास के काम हो सकते थे क्या? कनेक्टिविटी के काम हो सकते थे क्या? ये आपके सहयोग के कारण हुआ कि नहीं हुआ? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? तेजू और पासीघाट में एयरपोर्ट, नहरलागुन और गुवाहाटी के बीच चलने वाली अरुणाचल एक्सप्रेस, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट आपके मजबूत विश्वास का ही परिणाम है। अब यही जगह देख लीजिए, मैं 2014 में यहां आया था, तब ये खेत था, खेत, और उस कोने से उस खेत में कुछ लोग आए थे, उनको मैंने संबोधित किया था। आज देखते ही देखते एक शानदार स्टेडियम बन गया। अब अरुणाचल से फुटबॉल के तगड़े खिलाड़ी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? पासीघाट का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? आपने साथ दिया तभी हम पासीघाट और ईटानगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठा पाए हैं। आपके मजबूत विश्वास का ही नतीजा है कि आज अरुणाचल में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अनेक संस्थान बन रहे हैं। आपके विश्वास का ही परिणाम है कि आजादी के 7 दशक बाद अरुणाचल के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा पाए हैं। हर घर को रोशन कर पाए हैं। भाइयों और बहनों, ईटानगर और दिल्ली में विकास का डबल इंजन आप सब लोगों ने लगाया, इसी का परिणाम है कि आज विकास के नए रास्ते पर अरुणाचल चल पड़ा है। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने 70 साल तक राज किया, एक परिवार ने 55 साल तक राज किया देश पर, लेकिन फिर भी ये कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिए हैं। मुझे तो 5 साल अभी होने बाकी है,
तो मैं भला ये तो दावा नहीं कर सकता हूं कि मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर समाधान कर सकता हूं कि मैं हर चुनौतियों को चुनौती देने वाला इंसान हूं। मुश्किल से मुश्किल काम हाथ में लेने की तैयारी रखने वाला इंसान हूं, और जो काम हाथ में लेता हूं उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुटा रहता हूं। आपने कभी सुना है कि आपका ये सेवक कभी छुट्टी पे चला गया? सुना है? कभी छुट्टी ली है? कभी आराम किया है? कभी मौज मस्ती में टाइम बिगाड़ा है? आप ही के लिए लगा हूं कि नहीं लगा हूं? 125 करोड़ देशवासियों के लिए लगा हूं कि नहीं लगा हूं? ये आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है जो मुझे दिन रात आपके लिए काम करने की नई ऊर्जा देता है। ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा संकल्प मजबूत है। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट एशिया का गेटवे बनाने का हमारा लक्ष्य है। नए अरुणाचल के लिए बीजेपी का विजन है संपर्क, संसाधन और सम्मान। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए एक बार फिर आप सभी का आदेश देने के लिए मैं और मेरे तमाम साथी आज आप सभी के बीच आए हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं, क्या आप आपके इस चौकीदार से खुश है ना? खुश है ना? बराबर खुश है? ऐसे ही नहीं बोल रहे ना? आप मेरे युवा मित्र प्रेमा खंडू जी और अरुणाचल के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं, चौकीदारों की, उनकी पूरी टीम के लिए खुश है कि नहीं है? सब खुश है? आपको संतोष है? भाइयों और बहनों, इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। ये चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। ये अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए दिन रात एक करने वालों और दशकों तक अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा करने वालों का चुनाव है। मैं आपकी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, आपके गौरव की रक्षा करने वालों और आपके परिधानों, आपकी परंपराओं का मजाक उड़ाने वालों, आपका अपमान करने वालों के बीच ये इसका चुनाव होना है। एक तरफ आपकी परंपराओं का अपमान करने वाले हैं और दूसरी तरफ आपकी सारी परंपराओं को गौरव के साथ स्वीकार करने वाला, आपके आपकी परंपराओं को मेरी परंपरा मानने वाला आपका एक चौकीदार आपके साथ खड़ा है। वो दल जिन्होंने कभी देश की आशाओं, आकांक्षाओं को नहीं समझा, जिन्होंने देश पर राज करने की नीयत से सत्ता पर कब्जा जमाए रखा, जबकि आपका ये चौकीदार आपके सेवक की तरह हर हमेशा आपकी सेवा में तैयार है।
आपकी आशाओं, उम्मीदों, आपकी जरूरतों को समझते हुए मैं काम करने की, सफलता पाने की, सुविधा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। हम सिर्फ एक वादा करके उसे दशकों तक लटकाए रखने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन को आसान बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। साथियों, हमने तो हर घर को टॉयलेट के सपने नहीं दिखाए थे, लेकिन आज हर घर में शौचालय के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ हम पूरी तरह सफलता देख रहे हैं। हमने तो कभी गरीब बहनों की रसोई को धुएं से मुक्त करने का ढोल नहीं पीटा था, लेकिन आज 7 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुका है। हमने कभी किसानों की आंखों में धूल झोंककर किसानों के नाम पर वोट मांगने का पाप नहीं किया था, फिर भी हमने किसानों के लिए बीज से बाजार तक व्यवस्थाएं बनाई, तमाम सुधार किए और पीएम किसान सम्मान योजना भी लागू कर दी। साथियों, हमने ये भी नहीं कहा था कि देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को, अरुणाचल के 50,000 के अधिक किसानों को हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में जमा करेंगे, लेकिन आज देश के 3 करोड़ से अधिक किसान परिवार के खाते में पहली किस्त के पैसे जमा भी हो गए हैं। हमने स्वास्थ्य के नाम पर बड़ी बड़ी लुभावनी बातें नहीं की थी, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना लागू की। आज इस योजना की वजह से अरुणाचल के 3 लाख गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध हुई है। और मेरे अरुणाचल के भाइयों बहनों, ये स्वास्थ्य योजना इतनी बड़ी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, इसकी टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा ये भारत में आयुष्मान के लाभार्थी है। साथियों, स्वच्छता तो वो विषय था जिस पर हमारे देश में कभी चर्चा ही नहीं होती थी, संसद में तो कभी ये बात ही नहीं उठी, कभी किसी मैनिफेस्टो का अहम मुद्दा भी नहीं बना, लेकिन हमने स्वच्छ भारत बनाने की ठानी और देश के लोगों के सहयोग से आज स्वच्छ भारत की सच्चाई दुनिया के सामने, देश के सामने है। आज दुनिया के देश, चीन समेत, भारत का इस स्वच्छता अभियान का मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। ये आपको खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है, निकले कर रहा है, मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? साथियों, एक तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है,
बेईमान होता है, डकौसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं डकौसला पत्र कहना चाहिए। साथियों, सर्दी गर्मी बारिश कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चौकीदार पहरा देते हुए ये भी कहता है जागते रहो। और इसलिए आपका ये चौकीदार भी आपको जागते रहो कह रहा है। इनके भ्रष्ट वायदों से आपको आगाह कर रहा है। आपको आज मैं 2019 में आपसे बात कर रहा हूं, बीच में 15 साल बीत गए। 2004 में उन्होंने लिखित में कहा था कि 2009 तक देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का वादा उन्होंने किया था। इसके लिए बकायदा एक प्रोग्राम भी घोषित किया था, लेकिन 2014 में जब मैं आया तब तक देश के 18,000 गांव अंधेरे में थे और करोड़ों परिवार उन्होंने बिजली नहीं देखी थी। साल 2009 में फिर इनका एक और ढकोसला पत्र आया। पहले के वादे का क्या हुआ कोई जवाब नहीं दिया, और उनके जो चेले चपाटे हैं उन्होंने भी कभी उनको सवाल नहीं पूछा। फिर 2014 का चुनाव आया और फिर एक वादा दोबारा दोहराया कि शहरों में 100% बिजली देंगे और गांवों में बिजली 90% तक पहुंचाएंगे। 4 में कहते थे सबको पहुंचाएंगे, 9 में कहने लगे कुछ छूट जाएंगे, और न 4 में किया न 9 में किया न 14 तक किया। अरे भाई, 2004 में जो वादा किया था उसके बारे में तो जरा बता देते। साथियों, इनके झूठे वादों की स्थिति ये थी कि अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के 1800 से अधिक गांव और देश के 3 करोड़ से अधिक परिवार 2014 में अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे, और देश के अंदर 18,000 गांव जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी। आपके इस चौकीदार ने 1000 दिन के भीतर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा और 1000 दिन के भीतर वादा पूरा करके दिखाया। भाई, इतना ही नहीं, देश के 2.5 करोड़ से अधिक घरों को भी इस चौकीदार की सरकार रोशन कर चुकी है, अंधेरा मिटा चुकी है। भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने देश में अलगाववाद बढ़ाने के लिए, हिंसा को प्रोत्साहन देने के लिए, देश को गाली देने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए भी एक योजना बनाई है। जो तिरंगे झंडे को जलाते हैं उसका अपमान करते हैं, जो आपकी तरह जय हिंद नहीं लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं, जो हमारी विरासत का अपमान करते हैं, जो बाबा साहब आंबेडकर जैसे मनीषियों की मूर्तियां तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप मुझे बताइए,
क्या देशद्रोह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, देशद्रोहियों के लिए कठोर कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर देशद्रोहियों को खिली छूट दे दी जाएगी तो आप लोगों को मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी, देश में संकट आएगा कि नहीं आएगा, इनको क्या हो गया भाइयों साथियों। एक तरफ आपका ये चौकीदार, देश के वीर सपूत, देश को तोड़ने वालों के खिलाफ खड़ा हो रहा है, देश के भीतर हो या देश के बाहर, भारत मां पर हमला करने वालों के खिलाफ आपका ये चौकीदार कठोर कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विचारों से दिवालिये हो चुकी कांग्रेस सत्ता में वापसी की छटपटाहट में आज इतनी नीचे गिर चुकी है। क्या ये देश में अलगाव की आवाज को मजबूत करने की कोशिश नहीं है? कांग्रेस का हाथ देश के साथ है या देशद्रोहियों के साथ है? इस चुनाव में देश का नागरिक कांग्रेस पार्टी के इन बातों का पूरा जवाब मांग करके रहेगा। आप सभी मिलकर कांग्रेस और महागठबंधन के नाम पर बाना महामिलावटी लोग, उनकी जमानत जब्त कराएंगे कि नहीं कराएंगे? उनको पूरी तरह हराएंगे कि नहीं हराएंगे? उनको हमेशा के लिए घर भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे? भाइयों, अरुणाचल को बचाने के लिए, अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेमा खांडू जी के हाथ मजबूत करना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। दिल्ली में भी कमल का इंजन हो, अरुणाचल में भी कमल का इंजन हो, फिर देखिए अरुणाचल की गाड़ी कैसी तेज चलती है। भाई आप आश्वस्त रहिए, जब तक ये चौकीदार हैं तब तक देश को तोड़ने के बारे में सोचने वालों को 100 बार सोचना पड़ेगा। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। यही अरुणाचल के आप सभी साथियों की प्रेरणा है, यही 130 करोड़ भारतवासियों का प्रण है। साथियों, आपने कांग्रेस और उसके सहयोगियों के 60 वर्ष भी देखे और चौकीदार के 60 महीने भी देखे हैं। बताइए, कांग्रेस के नामदारों ने कितनी बार अरुणाचल की सूद ली थी? कोई कांग्रेसी आता था क्या अरुणाचल में? दिल्ली के नेताओं को फुर्सत थी क्या? अरे, यहां के नेता जाते थे, हफ्ते हफ्ते भर दिल्ली में उनको रुकना पड़ता था, अरुणाचल की जनता के पैसों से वहां होटलों में रहते थे, वहां के नेता उनको मिलने का टाइम नहीं देते थे, मिलने का टाइम नहीं देते। कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री हुए, वो कितनी बार अरुणाचल आए थे? किसी को याद भी नहीं होगा। आपने कांग्रेस के इतने सालों तक प्यार दिया, क्या उन्होंने आपके प्यार को सम्मान दिया क्या? भाइयों और बहनों, यही कांग्रेस की हकीकत है, यही नामदारों की असलियत है। उनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। यही कारण है कि इतने वर्षों तक अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने भुला दिया था। उनके डकोसला पत्र में देखिए, नॉर्थ ईस्ट कहां होता है? उनके बजट उठाकर देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट को वो कितना स्पेस देते थे, आपकी आवश्यकताओं को कितना सम्मान देते थे। एक कांग्रेसी है जिसने नॉर्थ ईस्ट को ना तो दिल में जगह दी और ना ही दिल्ली में जगह दी। दूसरी तरफ भाजपा है जिसने नॉर्थ ईस्ट के
दिल को भी जोड़ा और दिल्ली को आपके पास लेकर के चली आई। साथियों, ये अटल जी ही थे जिन्होंने पहली बार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया। अटल जी ने जो काम शुरू किया आपको आपके इस चौकीदार की सरकार ने आगे बढ़ाया और हर 15 दिन में कोई न कोई केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी नॉर्थ ईस्ट में लगाई हमने। बीते 5 वर्षों में मैं खुद 30 से ज्यादा बार और सैकड़ों बार केंद्र सरकार के मंत्री हमारे इस नॉर्थ ईस्ट के पूरे क्षेत्र में आ चुके हैं। साथियों, हम बार बार आपके बीच आते हैं क्योंकि हमें मां भारती के कोने कोने से प्यार है, जन जन से लगाव है। कांग्रेस सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए आपको याद करती है क्योंकि वहां सिर्फ एक ही परिवार से लगाव है। कांग्रेस की ये नीति एक वोट बैंक बनाने की रही है, वो इसी वोट बैंक के लिए काम करती है। फिर चाहे उससे देश का नुकसान क्यों न हो, उससे अलगाव क्यों न पैदा हो, भाइयों और बहनों, अरुणाचल प्रदेश पूरी मजबूती के साथ 11 अप्रैल को विकास के डबल इंजन को, कमल छाप डबल इंजन को शक्ति देगा, अरुणाचल और देश की चौकीदारी को सशक्त करेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ एक नारा बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, मैं कहूंगा मैं भी, आप बोलिए चौकीदार हूं। मैं भी चौकीदार हूं। मैं भी चौकीदार हूं। मैं भी चौकीदार हूं। गांव गांव, गांव गांव, गली गली, गांव गांव, चौकीदार, गली गली, चौकीदार, नौजवान, माताएं बहने, खेत खलिहान, पूरा हिंदुस्तान, सीमा पर, गली गली में, भाइयों बहनों, 125 करोड़ देश का हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी चौकीदार, इसी भाव के साथ आओ देश को बचाएं, देश को आगे बढ़ाएं। भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी है तो